तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है एक मिनट में एक खबर बताने का। सबसे पहले अश्लील फिल्मों से जुड़े कारोबार के मामले में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा को रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आज कुंद्रा को कोर्ट में पेश कर कस्टडी में लेने की मांग कर सकती है। मुंबई पुलिस ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के जरिए अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा ने न सिर्फ सॉफ्ट पोर्नोग्राफी बनाई बल्कि उसे ऐप पर अपलोड भी किया। इसी साल फरवरी में राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। 26 मार्च को मुंबई पुलिस ने इसी मामले में एकता कपूर का भी स्टेटमेंट लिया था। महाराष्ट्र साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का स्टेटमेंट पहले ही दर्ज कर लिया है। इस मामले में राज कुंद्रा का नाम पुलिस के सामने शर्लिन चोपड़ा ने लिया। शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस को जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला बयान था। शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि उन्हें अडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाला राज कुंद्रा ही है। हर प्रोजेक्ट के लिए शर्लिन चोपड़ा को 30 लाख की पेमेंट मिलती थी। शर्लिन के मुताबिक उन्होंने इस तरह के 15 से 20 प्रोजेक्ट किए हैं। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का यह पूरा खेल पहली बार तब चर्चा में आया था जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को हिरासत में लिया था। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद से ही धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलना शुरू हुई थी। कोरोना पर आज शाम सर्वदलीय बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारी और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। कोरोना से निपटने की तैयारी और वैक्सीनेशन पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ईपी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे संसद भवन में विपक्ष से चर्चा करेंगे। बैठक में सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पर जानकारी देगी। स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन नीति पर विपक्ष को प्रेजेंटेशन देगा। इससे पहले प्रधानमंत्री कल संसद पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर पूरे देश से वैक्सीनेशन जरूर लगवाने की अपील की। जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 40,64,00,000 के पार हो गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,000 नए मामले आए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गया है। मध्य प्रदेश से वैक्सीनेशन के चौंकाने वाले दृश्य नजर आए हैं। यहां राजगढ़ और धार में वैक्सीनेशन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से वैक्सीनेशन की आई ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। क्या ये वैक्सीनेशन कोरोना को रोकने के लिए हो रहा है या बढ़ाने के लिए? जिस तरह से यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा है और भारी भीड़ है, उससे तो बड़ी आसानी से यहाँ कोरोना का प्रसार हो सकता है। अगर इस भीड़ में एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव है तो उससे कितने संक्रमित होंगे कहना मुश्किल है। इस भीड़ में 2 गज की दूरी का सवाल तो उठता ही नहीं है। लोगों ने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। दूसरी तस्वीर भी मध्य प्रदेश की ही है। जगह है धार का धामनोद। दरअसल यहाँ वैक्सीनेशन के टोकन लेने के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लग गई थी। ऐसे में जैसे ही गेट खुला तो अचानक भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों को चोट भी आ गई। जानकारी के मुताबिक लोग सुबह 5 बजे से ही वैक्सीन के लिए शहर के बालक उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में बने सेंटर पर टोकन लेने के लिए पहुंच गए थे। केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में छूट मिलेगी या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं बकरीद के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में छूट देने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में इस पर आदेश की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, केरल में मेडिकल इमरजेंसी है, रोज 10,000 केस आ रहे हैं। गंभीर स्थिति में लॉकडाउन में छूट देना जीवन से खिलवाड़ है। कोरोना के 36% से ज्यादा मामले अकेले केरल में आना बड़ी चिंता है। लॉकडाउन में छूट पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा स्थगित करने का भी हवाला दिया गया है। केरला ने जो किया है वो तुष्टिकरण की राजनीति है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी को अभी भी विचार करना चाहिए और देश हित में उन्हें इसे अभी भी प्रतिबंधित करना चाहिए। त्यौहार घरों में भी मनाया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन में छूट का आज आखिरी दिन है। यह आदेश 18 से 20 जुलाई के लिए था। वहीं बकरीद के लिए यूपी सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर्व के लिए सभी आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित हों, 50 से ज्यादा लोग एक समय एक स्थान पर जमा न हों। संसद का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल के हंगामे को देखते हुए आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं।
मानसून सत्र के पहले ही दिन कल प्रधानमंत्री मोदी की संसद को चलने देने की अपील विपक्ष ने ठुकरा दी और जमकर हंगामा किया। धारदार सवाल पूछे लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दे। सदन में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी नए मंत्रियों का परिचय कराने उठे, विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी नए मंत्रियों का परिचय नहीं करा सके, विपक्ष ने लगातार नारेबाजी की। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार असल मुद्दों से भाग रही है। किसानों के नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच अधिकारियों के बीच आज फिर से एक अहम मीटिंग होगी। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को इजाजत देने के मुद्दे पर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की आज दोपहर 12 बजे फिर बैठक होगी। बैठक में तय हो सकता है कि किसान संगठनों को 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसान संसद के आयोजन की अनुमति दी जाए या नहीं। वहीं कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद में भी पहले दिन हंगामा हुआ। लोकसभा में अकाली दल और बीएसपी के सांसद वेल में आ गए। देश के किसान इंसाफ चाहते हैं, काले कानून वापस चाहते हैं। आज हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है। हम चाहते हैं कि सारी पार्टीज एकमुट होकर सेंटर सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हों और ये प्रेशर डालें कि ये कानून वापस लें। सरकार ने कहा कि वो पूरी संवेदनशीलता से चर्चा को तैयार हैं। देखिए, भारत सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करने को तैयार है। फोन टैपिंग और जासूसी के मामले पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मॉनसून सत्र से एक दिन पहले रिपोर्ट सामने आना एक संयोग नहीं हो सकता। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश के 40 से ज्यादा पत्रकारों समेत कुछ चुनिंदा लोगों की फोन टैपिंग और जासूसी के दावे को केंद्र सरकार ने बेबुनियाद बताया है। फोन टैपिंग विवाद को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि मानसून सत्र से पहले जासूसी टूल किट संयोग नहीं। The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, honorable speaker sir. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सीपीआई के सांसद विनय विश्वम ने पेगासस जासूसी मामले पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की है। पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने जासूसी के आरोप पर फ्रांस के फॉरबिडन स्टोरीज की रिपोर्ट को गलत बताया है। एनएसओ ग्रुप ने कहा है कि वो इस झूठी रिपोर्ट को जारी करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने पर विचार कर रहा है। फोन टैपिंग और जासूसी मामले पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को भारतीय जासूस पार्टी कहा है तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को स्तरहीन बताया है। फोन टैपिंग और जासूसी मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी का नाम बदलकर भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, उसके डर पर हंसी आती है, ये भारतीय जासूस पार्टी है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को स्तरहीन बताया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही जासूसी का रहा है। बीजेपी ने पूछा है कि राजनीति का सुपारी एजेंट कौन है। जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, ये आरोप कैसे लगाएंगे आप। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा कि विघटनकारी और अपरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों में भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पाएंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना देने के बाद गुटबाजी और बढ़ गई। कांग्रेस दफ्तर से जहां कैप्टन का फोटो हटाकर सिद्धू का लगा दिया गया, वहीं पार्टी की बैठक में कैप्टन ने सिद्धू को बुलाया तक नहीं। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस दफ्तर के बाहर नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर लगाए गए। वहीं सिद्धू ने कल पार्टी नेताओं संग बैठक की। सोनिया गांधी जी जो डिसीजन लेंगे
उसको हम सभी मानेंगे, वहाँ पर सब मिलके काम करने के लिए तैयार है। ट्विटर पर जीतेंगे पंजाब मिशन की घोषणा भी की। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सोमवार को कई सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में शामिल होने के लिए सिद्धू को न्योता नहीं भेजा। वहीं लोकसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीत कौर और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में करीब 20 मिनट तक बात हुई। दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू की सियासी काबिलियत पर सवाल उठाकर तंज किया। वो किसी जगह का कैप्टन बनने के लायक नहीं है, जहां जाता है वहां लड़ाई करता है, तो ये देखने कितने दिन यहां काटता है, क्योंकि किसी पार्टी का वफादार नहीं है। देश में आज मुंबई से लेकर पहाड़ों तक भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं दिल्ली और एनसीआर में आज भी कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सोमवार को मुंबई के पास खारघर में पिकनिक मनाने गए 120 लोग नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के बाद वहां फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। वहीं रविवार को ही भारी बारिश से मुंबई में मरने वालों की संख्या 33 हो गई। वहीं उत्तराखंड में उत्तरकाशी के मांडो गांव में बादल फटने से मची तबाही से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग अब भी लापता हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी समेत 13 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं दिल्ली और एनसीआर में आज भी कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। कल हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ा दी। प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास के पास सेल्फी लेते वक्त एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। यहां अंडरपास को पार करते वक्त एक बस फंसी, जिसे बाहर निकालने के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा। नरेला में बस और ट्रैक्टर पानी में फंस गए। द्वारका में सड़क धंसने से एक कार गड्ढे में गिर गई। बाद में यहां भी क्रेन के सहारे कार को बाहर निकाला गया। देश में मानसून की कई भयावह तस्वीर भी आई हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 लोग बह गए, जिन्हें मुश्किल से बचाया गया। मानसून सक्रिय हो रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर का हाल है। नदी नहरें उफान पर हैं, पानी सड़कों से होकर बह रहा है। तस्वीरें देखिए, यहाँ 2 शख्स सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से एक बुजुर्ग भी है। अचानक संतुलन बिगड़ा और दोनों पानी में बह गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के 12 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब झारखंड के लातेहार की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद स्थानीय नदी उफान पर है, पानी का बहाव तेज है, लेकिन इसके आगे की लापरवाही देखिए। एक ट्रैक्टर ड्राइवर इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर को लगा कि तेज रफ्तार में ट्रैक्टर नदी से पार हो जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और बीच में ही बंद हो गया। लापरवाही ने जान खतरे में डाल दी। बाद में ट्रैक्टर सवार लोगों ने तैर कर और स्थानीय लोगों की मदद से जान बचाई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.